नमस्कार, पूनम स्टाइल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सोया और पालक की ग्रेवी सब्जी। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, आप ज़रूर से ट्राई करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, लाइक कमेंट शेयर करें। अभी देखते हैं कैसे बनती है सब्जी। तो मैंने एक पैकेट सोया चंक लिया है, दो टमाटर, तीन चार हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक गट बंच पालक का हमने इसे काट के धो के ले लिया, नमक और जीरा। तो अभी हम गैस को ऑन करते हैं। एक टोप ले लेंगे, इसमें हम एक से डेढ़ गिलास पानी डाल देंगे। पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है हमने। जब पानी गर्म हो रहा तब तक हम टमाटर और हरी मिर्च अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो आप प्याज और अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्ची एक साथ सबका पेस्ट बना लीजिए। आप चाहो तो बारीक बारीक प्याज चॉप करके ले सकते हैं, या तो साथ में सबका पेस्ट बना लीजिए। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इधर हमारा पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें सोया चंक डाल देंगे, इसको एक बार हम ऐसे मिला लेंगे। इसको उबालने के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक के हम एक उबाल आने देंगे। तभी उबाल आ गया है तो हम इसको हम उतार लेते हैं नीचे। इधर ठंडा होने के लिए हम एक इसको एक छन्नी में पानी निकाल लेंगे। ऐसे हमने छन्नी में रख दूंगी, ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी और नमक रहेगा वो निकल जाएगा ऊपर से ठंडा पानी में धोने से। इधर हमने कढ़ाई रख के हमने पालक रख दिया है। हमने इसमें दो से तीन चम्मच पानी डाला है, पालक पानी छोड़ता है, तो इसको हम ढक के सॉफ्ट होने तक हम पालक को उबाल लेंगे। तो पालक में उबाल आ गया, पालक हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बार हम ऐसे मिला लेते हैं। इसको खुला ही एक दो मिनट हम पका लेंगे। तभी देखिए पालक हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं इसको। इधर हमने कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम दो टेबल के स्पून करीब तेल डालेंगे, दो चम्मच। तो हमें खड़े मसाले हैं, इसका हम तड़का लगाएंगे। तो हमने एक इंच सिनेमन का टुकड़ा, एक चम्मच जीरा, दो तीन लौंग, तीन चार काली मिर्च और एक छोटी इलायची का हमने तड़का लगाया है। इसमें हम एक आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम टमाटर के जो हमने प्यूरी बनाया था, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का वो डाल के हम अच्छे से इसको पका लेंगे, जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इसको इसे हम चला चला के हम पका लेंगे टमाटर को अच्छे से। तभी देखिए टमाटर हमारा किनारे पे तेल छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, कम तीखा रहता है।
और एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे, छोटा चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मसाले को पका लेंगे। हम खुला ही मसाला को 1-2 मिनट ऐसे हम पका लेंगे स्लो आंच पे, चला चला के हम मसाले को पका लेंगे। अगर मसाला पक रहा है तो एक पालक हमारा ठंडा हो गया तो इसका हम प्यूरी बना लेंगे पालक का। तो देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ने लगे, मसाला हमारा पक के तैयार हो गया है। इसको हम चला लेंगे ऐसे। इधर हमने बेसन लिया है 2-3 चम्मच, इसका हम घोल बना लेंगे क्योंकि हमने इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला है। अगर आप प्याज और लहसुन डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं तो इसमें 2 प्याज आप डाल दो पीस के, तो इससे ग्रेवी आपकी एकदम गाढ़ी रहेगी। तो हमने ग्रेवी के लिए ही हमने बेसन डाल रही हूँ घोल के। अब बेसन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, आप ना डालने चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, स्किप करें इसको, ये ऑप्शनल है बेसन। हम अच्छे से बेसन को चला चला के पका लेंगे जब तक बेसन में से खुशबू ना आने लगे, कच्चापन ना खत्म, तब तक हम बेसन को अच्छे से पका लेंगे। अभी बेसन हमारा पक गया है तो अब इसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे। अच्छे से हम चला के इसमें मिक्स करेंगे मसाले में। इसको खुला ही हम 1-2 मिनट ऐसे चला चला के हम पका लेंगे इसको। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छे से। अब इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट और हम पका लेंगे। हम फिर से इसको चला लेंगे। हमारा पालक पक गया है तो अब इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी है अभी, तो हम इसमें जो है थोड़ा पानी डाल देंगे। हमने आधा कप पानी लिया है, आधा कप पानी डाल देंगे इसमें हम। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है तो ठंडा होने पर ये गाढ़ा ही होएगा, तो इसके लिए हमने इसमें 1.25 कप पानी डाला है। इसको हम ढक के 4 से 5 मिनट स्लो आंच पे हम पका लेंगे अच्छे से। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए पहले से हमारी सब्जी कितनी गाढ़ी हो के तैयार हो गई है। हम ऊपर से इसमें धनिया पत्ती गार्निश के लिए डाल देंगे, धनिया काट के। तो इसको हम मिला लेंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच ऊपर से बटर डाल देंगे। आपके पास बटर नहीं है, घी है तो घी भी डाल सकते हैं। अब हम सब्जी निकाल लेंगे एक बाउल में। हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार है। इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है।